वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हैं सब? बिल्कुल ठीक ठाक, बेहतरीन। और कल का मैच तो आपने देखा ही होगा, पाकिस्तान वर्सेस यूएसए। आपको चलें कुछ फैक्ट शेयर करते हैं। जब ये मैच शुरू होने वाला था ना, मतलब 3-4 दिन पहले से, तो अलग अलग से मीम चल रहे थे कि हम हार जाएंगे, हार जाएंगे, हार जाएंगे, सोशल मीडिया पे, जो देख के गुस्सा आता था, बुरा भी लगता था। लेकिन मैंने बोला नहीं यार, ऐसा नहीं हो सकता, हमारे पास तो वर्ल्ड के बेस्ट क्लास बॉलर हैं और बैट्समैन हैं, बकौल ICC के रैंकिंग के, और हमारे जिस तरह खिलाड़ी खेलते हैं माजी में, तो उम्मीद बन जाती है, बंदा खुश हो जाता है और बंदा उम्मीदें रखता है। एक तो इनके लिए जल्दी से जॉब से घर पहुंचो कि चलो इनकी बैटिंग नहीं देख पाए, इनकी बॉलिंग देख लेंगे अच्छे तरीके से, किस तरह प्रोफेशनल तरीके से खेल रहे हैं, किस तरह बेहतरीन तरीके से खेल रहे हैं और कितना खुशनुदी से खेल रहे हैं। लेकिन जब आके स्कोर बोर्ड में बैटिंग देखी तो हैरान हो गए, 159 पे 7 आउट। अगर कैलकुलेशन देखी जाए तो एक खिलाड़ी ने मुश्किल से 25 से 28 रन का एवरेज, जिनमें से बाबर भी होगा, जिनमें से फ़खर जमान भी होगा, चाचू भी होंगे, चाचू मतलब इफ्तखार जिनको सब बोलते हैं, और वो कहते हैं मुझे चाचू ना बोलो, मैं 32 साल का हूँ। अरे भाई, चाचू तो इंसान 20 साल में भी बन सकता है ना। चलो भाई, हिम्मत करके मैच देखना शुरू किया और खुश हुए कि दुख मिलेगा, बहुत दुख मिलेगा। अबे भाई, ऐसे खेलोगे, ऐसे बॉलिंग कराओगे, कौन सा बॉलर हमारा चलाए भाई, कौन सा बॉलर? इतने बुरे तरीके से हारना यार, कुछ शर्म आनी चाहिए यार। अब बोले तो किसको बोले भाई, थोड़ी देर में जब 2-3 ओवर देखे ना मैं समझ गया मैच तो गया। फिर भी उम्मीद होती है ऐसा पाकिस्तानी नहीं यार, अच्छा परफॉर्म करेंगे, हमारे खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म करेंगे, बेहतरीन खेलेंगे। लेकिन यार ये है यार, ऐसे कोई रन देता है यार, हमारे खिलाड़ी खड़े खड़े शॉट मारते हैं, छक्का मारने की कोशिश करते हैं, आगे भी आते हैं, साले कैच देते हैं। तो उनके खिलाड़ी यार, कोई भी ना गोरा खिलाड़ी उठा लो, खड़े खड़े शॉट मारते हैं और पैकाल में 80-85 मीटर तो यहीं जाती है बॉल यार। फिर कैच में मसला, फील्डिंग में मसला यार। 11 ओवर जब 3 बॉलें हो गई थी ना, तो नाम नहीं लूँगा मैं उस पाकिस्तानी प्लेयर का, इतना गुस्सा है। जब आप चौका रोकते हैं ना, तो आप हाथ ऐसे मारते हैं बाउंड्री से, उसने बकायदा हाथ पकड़ के इस तरह बॉल बाउंड्री पर लगाई है, 4 नहीं होगा यार, ऐसे रन दे रहे हो यार। अभी ये पहला मैच है तुम्हारा, संडे को इंडिया से मैच है, बेड़ा खर्क कर देगी वो टीम भाई, इस टीम का हमारी, जो हारती है तो फाइनल हारती है, पूरा टूर्नामेंट निकाल देती है, बेस्ट प्लेयर हैं, करोड़ों इस चीज़ के ले रहे हो, लाखों इस चीज़ के ले रहे हो, अफसोस हो रहा है यार मुझे। कप्तान हमारा कैसा है सब जानते हैं, सोशल मीडिया पे उसकी वीडियोस चल रही होती हैं, सही है, और हम लोग मुशाबियत दे रहे होते हैं, कोहली से दे रहे होते हैं, नहीं भाई, उसकी अपनी क्लास है, वो अपना मुल्क का अच्छा प्लेयर है, हम समझते हैं हमारा प्लेयर बहुत अच्छा है, हम समझते हैं क्या वो है भी, लेकिन पता नहीं परफॉर्मेंस कहाँ चली गई यार। अच्छा, चेहरे पे ना रिग्रेट नज़र आता है, रिग्रेट ही नज़र नहीं आ रहा खिलाड़ियों के, कोई अफसोस ही नहीं, जैसा सोच के आए थे हारना है, हारना है, हारना है, जैसे तैसे करके, फील्डिंग ज़ीरो, बॉलिंग ज़ीरो, जैसे तैसे करके यार मैच। अब जब लास्ट बॉल में 5 रन चाहिए थे ना, मैंने लगा छक्का मारने वाली तो इनके टीम नहीं यार, ऐसी बॉल कराई है, फुल टॉस उसके पैर पे रख के यार, फिर सुपर ओवर में चला गया, सुपर ओवर में वो साले 19 रन बना गए यार, अहमियत रखते हैं 19 रन, उनसे तो आखिर में बने नहीं, लेकिन उन्होंने बना लिए, अपने बेस्ट प्लेयर दे दिए उन लोगों ने, और हमारे क्या दे दिए, चाचू भिजवा दिए, फ़खर जमान भिजवा दिए। अरे फ़खर जमान ने लास्ट परफॉर्मेंस कब दी थी मैं बताऊं, ICC के 2017 के फाइनल में दी थी, उसके बाद एक कमेंट सेक्शन में भी बताओ कि उसने मैच में परफॉर्मेंस दी और मैच निकाला हो, या मुझे तो नहीं लगता यार। विकेट कीपर हमारा बेचारा चेंज हो गया, अच्छा हुआ चेंज हो गया, लेकिन वो भी कोई चेंज का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, मोहम्मद रिजवान बहुत अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन खैर, और अफसोस हुआ, टीम हारी, दुख हुआ। मैंने इस टीम को ना एक दफ़ा वहाँ सपोर्ट किया जहाँ सब इस टीम को हार जाने की दुआ कर रहे थे कि हार जाए, लेकिन वहाँ भी उस दिन सिर्फ मेरे सपोर्ट से टीम तो नहीं जीती, अपनी मेहनत से जीती। और उसके बाद फिर मेरे ऐसे भी हैं कुछ लोग जो मुझे ताना देते हैं कि ये रही तुम्हारी टीम, ये रही तुम्हारी टीम, अरे भाई ये हमारी टीम है, हम इनको अभी भी ज़रूरत है सर पर बिठाएंगे, लेकिन जहाँ अफसोस होगा इनकी हरकतों पर इनको बताएंगे यार। ले दे के इस कौम के पास ना, मैंने पहले भी अपने वीडियो में क्रिकेट को लेके बोल चाहूँ, यही खुशी रह गई है भाई, यही खुशी रह गई, ये भी छीन लो तुम लोग, हैं छीन लो इन लोगों से, इनको हंसने मुस्कुराने दो ही नहीं यार। वाह वाह यार, क्या बात है, क्या टीम है, हारिस बेहतरीन बॉलर, पता नहीं कहाँ से नज़र नहीं आया, मोहम्मद आमिर ने चलो एफर्ट की, मैं फ़ैन नहीं हूँ लेकिन सच कह रहा हूँ, शाहीन शाह अफरीदी रन दे रहे हैं, चाचू को एक ओवर दिया उसमें भी उसने 10 रन दे दिए यार, वो लोग लगता है यार प्रोफेशनल खेलने में आगे आगे, इंडिया से मैच है भाई, उम्मीद अच्छी नहीं है, दुआएं हैं, और हमेशा दुआओं से तो मैच नहीं जीता जाता, कुछ कोशिश भी की जाती है यार, कुछ करो, ये जो हक है
हमारी खुशी का, वो हमसे मस्त छीनो। और रिव्यू करेंगे, इंडिया के मैच का भी रिव्यू करेंगे इंशाल्लाह, संडे को मैच है, मंडे को रिव्यू करेंगे ज़िंदगी रही तो। आपको वीडियो कैसा लगा लाइक कमेंट शेयर, और कल के मैच के बारे में जो आपके तासुरात हैं वो भी ज़रूर मुझसे शेयर करें कमेंट सेक्शन में, मैं जवाब दूंगा। और आप कैसा देखते हैं इस टीम को आने वाले दिनों में कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिल के कुछ ऐसा क्रिटिसाइज़ करेंगे कि शायद अच्छी उम्मीद भी जागे। अपनी टीम है, ख़िलाफ़ नहीं बोलेंगे, लेकिन जो चीज़ गलत है उस पे इनको टटोलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो में लाइक कमेंट शेयर। अल्लाह हाफिज़।